माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और खतरनाक वाली ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पर जितने माइनक्राफ्ट में फैक्ट्स है उतने ही ज्यादा माइनक्राफ्ट में मिथ्स भी अवेलेबल है। तो आज हम देखने वाले टॉप 5 माइनक्राफ्ट मिथ्स। अबे ये गलत फोटो है, फिर से बोलता हूँ, ठीक फोटो लगाना। ओके, टॉप 5 माइनक्राफ्ट मिथ्स। अबे डीके बोस डीके, ये मेथी है भाई, मेथी मिथ बोल रहा हूँ मैं भाई, मिथ मिथ समझ गया, मिथ लास्ट बार बोल रहा हूँ। ओके अब ठीक लगाना। सो गाइस लेट्स सी टॉप 5 माइनक्राफ्ट मिथ्स एंड नो वेदर इट्स रियल और नॉट। नंबर 5, तो सबसे पहले इसे इसीलिए रखा है क्योंकि ये एक मिथ भी है और अपने आप में ये एक ट्रिक भी है सर्वाइवल के लिए। क्योंकि देखो आपको तो पता ही होगा, अगर बाय वॉक आपको माइनक्राफ्ट में लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ता है तो थोड़ी समय में आपका हंगर बार धीरे धीरे कम होने लगता है, और ज्यादा लो होने पर तो आपकी स्प्रिंट करने की भी एबिलिटी चली जाती है, और अगर हार्ड मोड में खेलोगे तो भाई पक्का लुढ़क ही जाओगे। और इसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे माइनक्राफ्ट प्लेयर्स अपने पास राशन लेकर ही चलते हैं, ताकि कहीं रास्ते में उनको भूख लग जाए और उनका हंगर बार कम होने लगे तो उनको वो काम में आ जाएगा। इसी की वजह से सबको लगता है कि चलने दौड़ने और जंप करने के जैसे हंगर बार कम होता है, वैसे ही बोट चलाने से भी कम होगा। पर गाइस ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये एक मिथ है। आप कितना भी बोट चला लो और कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लो, आपकी हंगर बार कम नहीं होगी। तो गाइज ये आप सर्वाइवल में भी यूज करके बहुत ज्यादा सर्वाइव कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा समय तक, क्योंकि आप बोट में बैठे रहो आपका हंगर बार कम ही नहीं होगा, सिर्फ ट्रैवल करो नदी से या फिर समंदर से। तो इसीलिए ये मिथ के साथ साथ एक ट्रिक भी है। नंबर 4, माइनक्राफ्ट में लावा आपको गर्म लिक्विड के अलावा कुछ नहीं लगता होगा, राइट? पर लावा बिहेव करता है वाटर से बिल्कुल ही अपोजिट, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट की मिथ है कि जैसे आप वाटर बकेट ट्रिक से ऊंचाई से कूदने पर भी डैमेज नहीं लेते हो, वैसे ही आप लावा के बकेट के साथ भी कर सकते हो। पर गाइज ये बहुत ही बड़ा मिथ है और बहुत ही बड़ा झूठ है, और ये आपको बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। अगर आपने लावा बकेट के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो आपको फॉलिंग डैमेज तो मिलेगा ही, ऊपर से आप जल भून जाओगे और आपका बारबेक्यू चिकन ही बन जाएगा। तो गाइज ये बिल्कुल ही बकवास मिथ है, और किसने फैलाई यार भाई, वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी आदमी होगा कोई। तो गाइज ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बहुत ही ज्यादा अनसेफ है और आप लुढ़कने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, मतलब 100% आप मर ही जाओगे। तो गाइज ये ट्राई मत करना। तो बढ़ते हमारी अगली मिथ की तरफ। नंबर 3, फॉर्चून एंचेंटेड पिकैक्स आर फैंटास्टिक, क्योंकि वो प्लेयर्स को माइनिंग करते वक्त ज्यादा ओर्स और ज्यादा रिसोर्सेज देते हैं। तो इसे ही देखकर बहुत सारे माइनक्राफ्ट प्लेयर्स को लगता है कि उनको भी फॉर्चून एंचेंटेड पिकैक्स से और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और उनकी भी एक्सपीरियंस लेवल बहुत ही फास्ट बढ़ेगी। पर दुर्भाग्यवश ये भी और अफवाह की तरह एक अफवाह है, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ऐसी अफवाह पे विश्वास ना रखे और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। नंबर 2, एज वी नो शील्ड माइनक्राफ्ट में आपको हर एक मॉब के अटैक से बचाती है, और ये बहुत ही बड़ी मिथ है कि शील्ड आपको डेंजरस स्प्लैश पोशन से होने वाले इफेक्ट से भी बचा सकती है। पर इन रियलिटी शील्ड्स आपको कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं देने वाली। अगर आप पर किसी ने स्प्लैश पोशन से हिट कर दिया है तो शील्ड आपको पोशन के बचाने के काम नहीं आ सकती। तो झूठी आशा लेके किसी से भी भिड़ने मत जाना, वो लोग आपको कूट देंगे। नंबर 1, माइनक्राफ्ट में आपको अलग अलग कलर्स के डाइस देखने को मिल जाते हैं, और अलग अलग कलर्स के डाइस अगर आपको चाहिए होती है तो उस कलर के फ्लावर्स भी आपको सबसे पहले लेने पड़ते हैं। पर माइनक्राफ्ट खेलने वाले नए बंदों को ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये लोग व्हाइट ट्यूलिप से भी व्हाइट डाई बना सकते हैं, बट सैडली दिस इज नॉट ट्रू। व्हाइट ट्यूलिप से आप व्हाइट नहीं बल्कि लाइट ग्रे कलर की डाई बना सकते हो। बट आई थिंक ये अपनी माइनक्राफ्ट की अलग ही वाली बकचोदी है, क्योंकि हर कलर के फूल से अगर आपको उस कलर के डाई मिलती है तो व्हाइट ट्यूलिप से भी आपको व्हाइट डाई मिलनी चाहिए। बट क्या ही करे, माइनक्राफ्ट का एक अपना अलग ही स्पेशल नशा है जो वो लोग फूंकते हैं, सो यू हैव टू डील विद इट। स्पेशल नोट, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि भाई हीरोब्रेन का तो फैक्ट ही नहीं बताया, वो तो माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी मिथ है। तो गाइस हीरोब्रेन का फैक्ट इसीलिए नहीं बताया क्योंकि यूट्यूब पे उसकी पहले से ही बहुत ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, तो मैं अलग बना के क्या ही करूं। पर अगर आपको चाहिए कि मेरी आवाज में आप हीरोब्रेन के मिथ्स और फैक्ट सुने तो कमेंट सेक्शन खुला है, आके आप कभी भी बता सकते हो। और अगर आपको एक्सलोटल के फैक्ट जानने तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और राइट वाली वीडियो में आपको आइटम छुपाने के सीक्रेट टिप्स मिल जाएंगे। तो जाओ और ये दोनों वीडियोस भी देख के आओ। बाय बाय।